कल हमने समरिक संख्या का ध्रुवीय रूप अध्ययन किया था और उसके कुछ सवाल हल किए थे। आज हम अध्ययन करेंगे समरिक संख्या के कुछ सवाल और समरिक संख्या का वर्गमूल की अवधारणा, समरिक संख्या के वर्गमूल की अवधारणा और इससे संबंधित कुछ सवाल का अध्ययन आज हम करेंगे। एक प्रश्न लेता हूं पहले मैं, समरिक संख्या, समरिक संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। यदि मॉड ऑफ 2z-3 इज इक्वल टू 7, ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, ये शर्त दिया हुआ है। 2z-3 का जो मापांक है, 2z-3 का जो मापांक किसके बराबर है, 7 के बराबर है, 7 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें उस समरिक संख्या का बिंदु पथ ज्ञात करना है। बिंदु पथ के बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूं। बिंदु तो आप जानते हैं, पथ का तात्पर्य रास्ता से होता है, पथ का तात्पर्य रास्ता से। बिंदु एक शर्त का पालन करते हुए, कोई भी बिंदु, जैसे यहाँ पे समरिक संख्या को हमने आर्गन चित्र में एक बिंदु के रूप में व्यक्त किया है, रेखा चित्र में हमने क्या किया है, एक बिंदु के रूप में व्यक्त किया है। तो जब हम किसी बिंदु को एक शर्त के अनुसार, जब कोई बिंदु एक शर्त के अनुसार जब गमन करती है, एक शर्त का पालन करते हुए जब वो गमन करती है, तो उसका जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है वही उसका बिंदु पथ कहलाता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखिए यहां पे एक बिंदु है O, O एक स्थिर बिंदु है और P एक चर बिंदु है, P एक चर बिंदु है, चर बिंदु मतलब जो घूमने वाला, ये O क्या है, स्थिर बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट, ये इधर उधर मूव नहीं करेगा, कौन मूव करेगा, P इधर उधर मूव करेगा। हमने शर्त ये दिया है P को हमने शर्त ये दिया है कि वो कहीं भी जाए P इधर उधर मूव करेगा, लेकिन सदैव उसकी दूरी 2 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी, कहीं भी जाए 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रहना है, चारों तरफ कहीं भी घूमे, वो चारों तरफ वो कहीं भी घूमे, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर के दूरी पर ही रहेगी। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रहेगी मान लो P, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे रहती है तो 2 सेंटीमीटर के दूरी पे, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसका, इस सब बिंदुओं को आप मिलाइए, सब बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो जो हमें ग्राफ प्राप्त होगा, जो रेखा चित्र प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो एक वृत्त होगा, वो एक वृत्त होगा। ये इस बिंदु पथ हो गया, किसका, बिंदु P का। P को हमने एक शर्त दिया कि वो के चारों तरफ घूमेगा, वो के वो चारों तरफ घूमेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो सदैव O से कितनी दूरी पे रहेगा, 2 सेंटीमीटर के दूरी पे रहेगा। तो उससे जो रेखा चित्र बनेगा, उससे जो डायग्राम बनेगा, वो क्या बन रहा है,
वृत्त बन रहे, तो उसका बिंदु पथ क्या हो गया? वृत्त। उसे का चलने का जो मार्ग हो गया, बिंदु का जो चलने का मार्ग हो गया, वो क्या हो गया? वृत्त। वही बात यहां पे है। शर्त क्या दिया था? 2 सेंटीमीटर की दूरी, 2 सेंटीमीटर की दूरी। शर्त यहां पे ये दिया है कि स्थिर बिंदु का चर बिंदु से दूरी कितना? 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर की दूरी, ये कहलाता हमारा बिंदु पथ। अब यहां पे जो हमें शर्त दिया गया है, यहां पे जो हमारा जो बिंदु है, हमारा जो बिंदु है वो क्या है? समरिस संख्या है, वो समरिस संख्या है। अब ये समरिक संख्या जो है, हम जानते हैं समरिक संख्या को, अब मैं सीधा हल लेता हूं इसका। ये हमारा समरिक संख्या जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हम क्रमित युग्म में हम कैसे लिखते हैं इसको? एक्स वाई एक छोटा ब्रैकेट में। पहले हम कौन सा पार्ट लिखते हैं? रियल पार्ट, वास्तविक भाग। उसके बाद कौन सा भाग लिखते हैं? हम अधिकल्पित भाग लिखते हैं, ऐसा। तो इसको, इसके लिए हमें क्या शर्त दी है? ये सपोज इसको हम मान लेते हैं पॉइंट पी, इसको हमने क्या लिया? पॉइंट पी। ये पॉइंट पी किसको दर्शा रहा है? समरिस संख्या को। किसको दर्शा रहा है? समरिस संख्या को दर्शा रहा है। उसके लिए शर्त हमें दिया है 2z-3 का जो मापांक है वो किसके बराबर है? 7 के बराबर है। किसके बराबर है? 7 के। इस शर्त को लेके हम समरिक संख्या का बिंदु पथ ज्ञात करेंगे, जो कि हमें एक समीकरण के रूप में प्राप्त होगा। तो इसमें हमें हल कैसे करना है? देखिए, ये हल हमें ऐसा करना है कि यहां पे हम लिख सकते, दिया गया है कि क्या दिया गया हमें? ये दिया गया है मॉड ऑफ 2z-3 इज इक्वल टू 7, या इसको हम 2z-3 का मापांक कहेंगे। इसका मापांक, इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में इसको इस तरीके से बोलते हैं, मॉड ऑफ 2z-3, मॉड ऑफ 2z-3, 2z-3 का मापांक, 2z-3 का मापांक किसके बराबर है? 7 के बराबर है। अब हमको यहां पे क्या करना है? इसको हल करने का तरीका क्या है? इसका जो हल करने का तरीका यह है कि यहां पे जेड है, जेड के स्थान पे आप सीधा एक्स प्लस आई वाई डाल दीजिए, जेड के स्थान पे एक्स प्लस आई वाई यहां पे पुट अप कर दीजिए और उसको हल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, इंप्लाइज दैट 2z(x+iy) -3 इज इक्वल टू 7 इंप्लाइज दैट, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, मॉड ऑफ 2x+2xyi-3 इज इक्वल टू 7। अब ये हो जाएगा हमारा, ये वास्तविक भाग को हम अलग कर लेते हैं, 2x-3 ये वास्तविक भाग है, बिना i वाला जो होता है वो होता है वास्तविक भाग और i वाला जो होता है वो अधिकल्पित भाग। तो ये हो गया अधिकल्पित भाग, ये अधिकल्पित भाग इज इक्वल टू 7। सॉरी, यहां पे छोटा गलती हो गया, यहां पे यहां x नहीं आएगा, टू एक्स माइनस थ्री ये
ये हो गया। अब ये एक सामरिक संख्या है, सामरिक संख्या का ये वास्तविक भाग है और ये अधिकल्पित भाग है, ये अधिकल्पित भाग है। इसका हमें क्या निकालना है? मापांक निकालना है। क्या निकालना है? मापांक। मापांक निकालना हम जान चुके हैं, कैसे निकाला जाता है मापांक। इसका मापांक अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग धन अधिकल्पित भाग का वर्ग। वास्तविक भाग में क्या है? 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस, ये अधिकल्पित भाग क्या है? 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये इसका मापांक निकालने का तरीका है। इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके थे, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, ये सामरिक संख्या है x प्लस आई वाई। इसका मापांक हम कैसे निकालते हैं? इस तरीके से, वास्तविक भाग का वर्ग और अधिकल्पित भाग के वर्ग का योगफल का धनात्मक वर्गमूल। वास्तविक भाग का वर्ग और अधिकल्पित भाग का वर्ग का योग का धनात्मक वर्गमूल। तो ये वास्तविक भाग क्या है? x एक्स स्क्वायर। अधिकल्पित भाग क्या है? y y का वर्ग। ये इस तरीके से का धनात्मक वर्गमूल। तो यहां पे देखिए, वास्तविक भाग में क्या है? 2x माइनस 3 है। अधिकल्पित भाग में क्या है? 2y है। तो ये वास्तविक भाग का इनके वर्गों के योगफल का धनात्मक वर्गमूल, ये मापांक होता है। 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करते हैं यहां पे, इसको ये वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल चिन्ह क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा हमारा, ये वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा और इधर कितना है? 7 है। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। अब इसको हम सूत्र से जो सर्वसमीका है उससे प्रसार करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर से, a माइनस बी होल स्क्वायर से प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a का वर्ग मतलब 4x वर्ग, b का वर्ग 9, 2 दूनी 4 तिया 12 ऋण 12x धन 4y वर्ग बराबर 49। तो जो a माइनस बी होल स्क्वायर जो सर्वसमीका है उससे हमने इसको प्रसार कर दिया, 4x वर्ग ये हो गया, b का वर्ग 9 हो गया 3 का वर्ग और माइनस 2ab 2 दूनी 4 तिया 12 12x 4y वर्ग बराबर 49। अब बस इसको थोड़ा और हल करना है हमको, फिर हमारा ये बिंदुपथ ज्ञात हो जाएगा। चार एक्स वर्ग धन चार वाई वर्ग ऋण 12x धन 9, 49 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण का 49 हो जाएगा, ऋण 49 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x वर्ग धन 4y वर्ग ऋण 12x और ये हो जाएगा हमारा ऋण का 40 बराबर 0।
यहां से हम चार उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, चार उभयनिष्ठ निकल जाएगा, चार जब उभयनिष्ठ निकल जाएगा इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चार थी या बारह, ये तीन एक्स हो जाएगा, चार दह चालीस बराबर जीरो, ये, और ये चार इधर आ जाएगा जीरो के नीचे, जीरो बटा चार क्या होगा, जीरो होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, इसलिए एक्स वर्ग धन वाई वर्ग ऋण तीन एक्स ऋण दस बराबर जीरो, ये दिए गए सामरिक संख्या का बिंदु पथ होगा, यही हमारा आंसर होगा। सामरिक संख्या a प्लस आई बी का वर्गमूल ज्ञात करना, का वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल क्या होता है आप जानते हैं, वास्तविक संख्या का वर्गमूल निकालना हम जैसे आप जानते हैं 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल धन ऋण चार, दो होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है, ये वास्तविक संख्या है। अभी यहाँ पे हमें अध्ययन करना है सामरिक संख्या a प्लस आई बी का वर्गमूल ज्ञात करना, तो इसके भी दो वर्गमूल होते हैं, ये हमें प्रूव करके अभी देखना है कैसे इसके दो वर्गमूल प्राप्त होते हैं। और सामरिक संख्या का जो वर्गमूल सामरिक संख्या ही होता है, सामरिक संख्या का वर्गमूल सामरिक संख्या ही होता है, तो अब अभी हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, ये सामरिक संख्या है। तो हम यहाँ पे हम मान के चलते हैं, माना कि
अंडर रूट ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमने मान लिया, इसका वर्गमूल हम मान के चल रहे हैं कि ये जो समरिक संख्या है इसका वर्गमूल क्या होगा, x प्लस आई वाई होगा, हमने माना है। तो इस समरिक संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। किसका मान ज्ञात करना होगा, हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा। x और y का मान ज्ञात करेंगे, उसको यहां पे हम रख देंगे, ये हमारा समरिक संख्या का वर्गमूल होगा। तो इसको हल करने के लिए ये जो स्टेप्स है इसको आप देखिए, सबसे पहले हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे वर्गमूल वाली राशि का तो वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर। ये अब इसको हम इज इम्प्लाइज दैट का मतलब यह होगा ए प्लस आई बी, अब इसको हम सर्वसम्मिका से इसको ओपन करेंगे, इसको प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस आई वाई का वर्ग प्लस टू एक्स वाई आई। और आप जानते हैं ये आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस वन। उसको हम जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं सामान्य बोलचाल में उसको हम आई कह देते हैं। लेकिन वो आयोटा है, अब यहां पे इज इम्प्लाइज दैट ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये देखो यहाँ पे आई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा माइनस वन, तो आई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया माइनस वन, माइनस का जब इस माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा माइनस मिलेगा प्लस टू एक्स वाई आई। तो अभी हमें प्राप्त हुआ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई। ये दोनों भाग लेफ्ट हैंड की संख्या और राइट हैंड की संख्या दोनों समरिक संख्या है, जहां आई आ गया मतलब वो समरिक संख्या है, ये भी समरिक संख्या है और ये भी समरिक संख्या है। अब ये जो हो गया ये वास्तविक भाग हुआ, राइट हैंड साइड का जो समरिक संख्या है उसका ये वास्तविक भाग हुआ और ये अधिकल्पित भाग। तो हम समरिक संख्या के गुणधर्म में हम पढ़ चुके हैं कि जब दो समरिक संख्या आपस में बराबर होती है तो उसका वास्तविक भाग के बराबर होता है और अधिकल्पित भाग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ये दोनों समरिक संख्या को आपस में तुलना करेंगे, दोनों समरिक संख्या को हम आपस में तुलना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इज इम्प्लाइज दैट ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये कौन सा भाग है वास्तविक भाग है, कौन सा भाग है वास्तविक भाग, वास्तविक भाग किसके बराबर होगा वास्तविक भाग के ये बराबर ए, और ये अधिकल्पित भाग है 2xy
अधिकल्पित भाग आई के साथ जो नंबर होता है वो अधिकल्पित भाग होता है, 2xy, 2xy इज इक्वल टू बी। तो इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं और समीकरण दो मान लेते हैं। यहां पे हमारा मुख्य उद्देश्य यह है, ये जब हल कर रहे हैं तो हमें तो वर्गमूल ज्ञात करने हैं a प्लस आई बी का, समरी संख्या का। इसके वर्गमूल में हमने क्या माना है, x प्लस आई वाई। तो हमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका मान ज्ञात करना है x और y का। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एक समीकरण प्राप्त हुआ है और हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम एक ऐसा एक सर्वसम्मिका लेते हैं जिससे हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूप में हम समीकरण जिससे हमें प्राप्त हो, ताकि उसको हमें x और y का मान निकालने में हमें मदद मिल जाए। तो यहां पे देखिए, जबकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, या इसको होल स्क्वायर नहीं लगाओगे तो हमें रूट लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू, या इसको आप लिख सकते हो हम जानते हैं कि, या सीधा जबकि करके ले लिए। ये हम अपने से ले रहे हैं, इसको अलग से ले रहे हैं। ये जो सर्वसमीका जिसे हम जानते हैं उसको हम अलग से ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होल स्क्वायर। अब यहां पे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान रख देंगे और टू एक्स वाई का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये मान रख दीजिए आप, ये मान कितना है a, a स्क्वायर, टू एक्स वाई कितना है b, ये हो जाएगा b स्क्वायर। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर तीन। अब देखिए, एक समीकरण हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है और एक समीकरण हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है। हमें करना क्या है, अभी यहाँ पे हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है और उसको यहाँ पे रखना है, तब जाके हमें इस समरिक संख्या का वर्गमूल प्राप्त होगा। तो हम कैसे हल करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे y माइनस में है और इधर y प्लस में है, तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे, तो ये प्लस का y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, x वाले पद बचेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये जुड़ जाएगा, ये हमें 2x स्क्वायर मिलेगा। मतलब यहां से हमें पहले x का मान हम प्राप्त कर लेंगे, दोनों को आपस में जोड़ के जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, y वाले पद कट जाएंगे, x का मान मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक और तीन को हल करने पर, समीकरण एक और तीन को, एक और तीन को हल करने पर पहले हम इसको जोड़ रहे हैं, पहले इसको हम दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं एक और तीन को, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ये प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां से फिर implies that x square is equal to, ये टू इधर डिवाइड लग जाएगा, a plus under root a square plus b square whole upon 2। अब देखिए इसको, ये जो मान है इसको हम सुविधा के लिए h मान लेते हैं, सुविधा के लिए हम h मान लेते हैं। इतना बड़ा मान ना लिख के उसको हमने क्या लिख दिया, h लिख दिया। तो हमें इसलिए x स्क्वायर बराबर h और x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट h, ये किसका मान निकल गया, x का। ये x ये है ना h, इसको हमने h लिया है, इसको ध्यान रखेंगे। इतना बड़ा मान को हमने ये सुविधा के लिए हमने h मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें y का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, अभी हमने दोनों समीकरणों को आपस में क्या किया, जोड़ा, क्या कटा, y वाले पद कट गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण तीन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, एक में से तीन को घटा देंगे, समीकरण एक में से समीकरण तीन को घटा देंगे, तो इससे x वाले पद हट जाएंगे और हमें y वाले पद प्राप्त होंगे। तो देखिए अब यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पे हम घटा रहे हैं, एक में से तीन को घटा रहे हैं, ये माइनस साइन लगा देते, यहां माइनस साइन चेंज होगा घटाने पे, ये प्लस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा यहां पे माइनस, ये माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस, इसमें से इसको घटा देंगे, ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब समीकरणों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दाया पक्ष को दाया पक्ष से जोड़ा जाता है और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से जोड़ा जाता है। जोड़ना है या घटाना है, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष से जुड़ेगा या घटेगा, बाएं पक्ष से जुड़ेगा या घटेगा। तो ये देखिए यहाँ पे इज इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान, ये माइनस रहने दीजिए यहाँ पे, माइनस ये टू इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब इसके बाद माइनस का हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, किसका, माइनस वन का, माइनस साइन का। जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये हो जाएगा हमारा इज इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए प्लस अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू। अब यहां पे देखिए, जैसे उसको हमने h माना था, इतनी ये मान को हम क्या मान लेते हैं सुविधा के लिए, k। इसको हमने क्या माना, k माना, k माना। तो ये हो गया y स्क्वायर इज इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इक्वल टू k, इसलिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट k, ये हमें मान मिल गए। क्योंकि जब हम सवाल हल करेंगे तो यहाँ पे a और b के स्थान पे हमें कुछ संख्यात्मक मान दिया रहेगा, जैसे 3 प्लस 4 आई या 7 प्लस 4 आई, तो ये सब संख्यात्मक मान प्राप्त होंगे। अभी तो चर राशि के रूप में है, तो आपका एक बड़ा सा एक व्यंजक लग रहा है, बड़ा सा पद लग रहा है, ये एक सीधा आपको एक मान प्राप्त होगा जब आप सवाल हल करेंगे, संख्यात्मक मान जब आपको दिया रहेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट अवधारणा है, ये उसका ये प्रूफ है, इसका डेरिवेशन है ये वर्गमूल ज्ञात करने का। हम ये दोनों अभी यहाँ पे चर राशि है, ज्ञात राशि है, जब ये ज्ञात राशि के रूप में रहेगा तो ये सब छोटा मान हमें प्राप्त होगा। इसकी अवधारणा को अभी हमने स्पष्ट किया, ये कैसे इसका वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं। अब देखो, अब ये दोनों मान हमें प्राप्त हो गए x का और y का। अब इन मानों को हम यहां पे रख देंगे, इसलिए एंड देयरफोर अंडर रूट ए प्लस आई बी इज इक्वल टू एक्स का मान क्या है, प्लस माइनस अंडर रूट एच प्लस आई वाई का मान प्लस माइनस अंडर रूट के, ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एच। अब यहां पे देखिए, अब प्लस का प्लस इंटू होगा तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और आई अंडर रूट के। एक बार आप प्लस साइन लोगे और एक बार माइनस साइन लोगे। तो हमने ये देखा कि समरीक संख्या के हमें दो वर्गमूल प्राप्त होते हैं। इसमें एक बार हम ऊपर के चिन्ह लेंगे, एक बार हम नीचे के, तो इस तरीके से ये हो गया समरीक संख्या का वर्गमूल। अब इससे संबंधित कुछ सवाल लेंगे। इसमें जो चिन्हों का जो निर्धारण होता है वो हमें इनके आधार पे करना होता है। ये जैसे 2xy बराबर जो भी मिलता है यहाँ पे प्लस 4 या माइनस 4, उसके आधार पे हमें निर्धारण करना होता है। अब एक आध सवाल अब लेंगे तब उसमें क्लियर होगा, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे xy का गुणनफल धन का 4 है, x और y का गुणनफल क्या है, धन का 4 है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक मिल रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल क्या मिल रहे हैं, धनात्मक मिल रहे हैं। तो धनात्मक हमें कब मिलेगा, धनात्मक हमें कब मिलेगा, जब दोनों क्या होंगे, धन होंगे, दोनों का चिन्ह समान होगा, दोनों या तो धन होगा या दोनों क्या होगा। जैसे ये हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई, ये एक्स वाई, धन गुणा धन क्या मिलेगा, धन, और ये धन, सॉरी, ये ऋण और ये ऋण, ऋण गुणा ऋण क्या मिलेगा, धन। तो इसके आधार पे हम चिन्हों का निर्धारण करते हैं कि कौन सा चिन्ह होगा, अगर उसके आधार पे हम आंसर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है, जो इनका गुणनफल है,
वो धन का चार है। तो धन का चार तभी हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे धनात्मक तभी प्राप्त होंगे जब या तो ये दोनों धनात्मक होगा तभी ये धन गुणा धन धन हो जाएगा, या ये दोनों क्या होंगे ऋणात्मक होंगे तभी जाके हमें क्या मिलेगा धन मिलेगा, तब हम उसका निर्धारण करेंगे। अगर मान लो ये एक्स वाई ये ऋणात्मक के बराबर है, ऋणात्मक राशि के बराबर है, तब क्या होगा, तब ऋणात्मक कब मिलेगा, जब एक धन होगा दूसरा क्या होगा ऋण होगा। अगर x धन तो y ऋण और x ऋण तो y धन, ऐसे इसको निर्धारण किया जाता है। तो यह हो गया सामरिक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल से संबंधित एक प्रश्न लेते हैं हम। तीन ऋण चार आई का वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक से हमने क्वेश्चन लिया है, प्रश्नावली से। यह सामरिक संख्या है और जैसे हम अभी जान चुके हैं कि सामरिक संख्या का जो वर्गमूल सामरिक संख्या ही होती है, तो हम यहाँ पे इसका हल देखते हैं। माना कि तीन ऋण चार आई का वर्गमूल x धन आई वाई के बराबर है, हम मान के चले इसके बराबर है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तीन ऋण चार आई बराबर एक्स वर्ग, जब इसका वर्ग करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। इसको पहले एक स्टेप लिख देते हैं, इसको एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर। This implies that 3 minus 4i x square x square, और इसका वर्ग करोगे तो i square minus 1 हो जाएगा, तो minus y square plus 2xyi। अब ये सामरिक संख्या है, दोनों पक्ष सामरिक संख्या, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के बराबर रखेंगे और अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग के बराबर रखेंगे। तुलना करने पर x वर्ग ऋण y वर्ग बराबर ऋण चार, इसको हम समीकरण नंबर एक ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 2xy, ये अधिकल्पित भाग के बराबर होगा, इज इक्वल टू सॉरी यहां पे 3 आएगा, ये 3 आएगा यहां पे 2xy, और ये यहां पे माइनस 4, ये नंबर 2 हो गया। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के रूप में हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ है, अब हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूप में समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक सर्वसम्मिका लेते हैं, जबकि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होल स्क्वायर। यहां से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इन मानों को आप रख दीजिए। इन मानों को जब हम रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है? तीन है। तो यहाँ पे तीन का वर्ग, और ये हो जाएगा ऋण चार का वर्ग। तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसको हमको अपने से लेना है, इसको अलग से इसको इसमें डालना है समीकरण प्राप्त करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में उसके रूप में समीकरण प्राप्त करने के लिए, ताकि एक्स वाई का मान हम ज्ञात कर सके। ये 9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 9 25 25 25 का वर्गमूल 5, ये 5, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए, हमें x y का मान ज्ञात करना है। हम समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 3 को हल करने पर समीकरण 1 और 3 को हल करने पर ये हो जाएगा हमारा पहले एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक और तीन को जोड़ने पर जब इनको हम जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। जोड़ोगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं दोनों को, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x2, ये हो गया 5 और 3 8, एक्स वर्ग बराबर 8/2, तो एक्स वर्ग बराबर हो जाएगा 4, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2, 4 का वर्गमूल क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, वाई का मान निकालेंगे। तो वाई का मान हम कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये हमारा 3 नंबर इधर लिख लेते अलग से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये 3 नंबर ये। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 में से 3 को हम घटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ जोड़े हैं, यहाँ पे घटा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इससे क्या होगा, इससे x वाले पद हट जाएंगे, x वाले पद हट जाएंगे, तो ये माइनस कर रहे हैं, माइनस 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 ये कट गया, ये प्लस इनटू माइनस 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 2 2i² 3 - 5 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज 2i, माइनस टू माइनस कैंसिल हो गया, और 2y² = 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1, ये निकला वाई स्क्वायर की वैल्यू। अब वाई स्क्वायर बराबर हो गया 1, इसलिए वाई बराबर हो जाएगा, जब 1 का वर्गमूल लेंगे, इधर से वर्ग हटाओगे इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल
एक ही होगा धन ऋण में। अब ये हो गया हमारा x और y का मान। इन मानों को हम यहाँ पे रख देंगे। अब रही बात चिन्ह का, तो चिन्ह में हम यहाँ पे हमें ये प्राप्त हुआ था 2xy = -4, ये हमें प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ये दोनों का जो एक का चिन्ह धन होगा और एक का चिन्ह क्या होगा ऋण होगा, एक का धन होगा तो दूसरा का क्या होगा ऋण होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे चिन्हों का निर्धारण करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x का हमें क्या मान प्राप्त हुआ था, x का हमें मान प्राप्त हुआ है 2 और y का मान हमें प्राप्त हुआ है 1। तो ये हमारा आंसर होगा 3 - 4i = x + -2, x के स्थान पे +2 + i, y के स्थान पे +-1। तो ये हो जाएगा हमारा +-2। ये प्लस इससे इसमें इंटू करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे +(-), और ये i, 1 × i हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ये इसके आधार पे हम x y, जब x का मान हमारा धन होगा तो y का मान ऋण होगा, तभी जाके हमें ऋण मिलेगा। जब x का मान ऋण होगा तो y का मान क्या होगा धन होगा, तब जाके हमें ये ऋणात्मक मिलेगा। तो एक धनात्मक फिर एक ऋणात्मक, इस तरीके से हमें लेना है। तो इसी के साथ आज की जो कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।